अरे ये लोग इस कचरे से क्या कर रहे हैं? और ये बड़ी सी मशीन कैसी है? ये तो कोई फैक्ट्री है ऐसा लगता है, है ना? लेकिन ये मशीन किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक हाउसिंग सोसाइटी में है। इतनी जल्दी चौंक गए? तो ये देखिए। भारत में हम सब मिलकर हर साल तकरीबन 30 करोड़ टन सॉलिड वेस्ट पैदा करते हैं, और ये सारा वेस्ट जाता कहाँ है? इन बड़े बड़े लैंडफिल्स में। ऐसा करके हम पोल्यूशन, बीमारियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा जिससे हम अपने घर में या अपनी सोसाइटी में तैयार होने वाले कचरे को लैंडफिल्स में ना फेंके। बिल्कुल है। पुणे के विलास जावड़ेकर डेवलपर्स ने इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला और अपने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यशविन हिंजवड़ी में उसे इम्प्लीमेंट भी किया। I was traveling through the, you know, the Hinjewadi area. I noticed a lot of garbage that was being thrown on the roadside. It could be also somewhere in the forest areas that there's a lot of illegal dumping that happens. And I think, you know, as a corporate, as an responsible corporate, it is our core responsibility to safeguard the environment from any dump or any form of illegal, you know, dumping of solid waste. ये सारे वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए विलास जावड़ेकर डेवलपर्स ने सितंबर 2020 में जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उसके लिए रीचरखा और माय इको सोशल प्लैनेट जैसी संस्थाओं को साथ लिया गया। वेस्ट सेग्रीगेशन, किचन वेस्ट कंपोस्टिंग, रीसाइक्लिंग, अपसाइक्लिंग, ये सब तरीके इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही काफी नहीं था, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी था। आइए देखते हैं सब मिलकर ये कैसे करते हैं। पहले तो जो भी घरेलू कचरा है उसे 5 हिस्सों में बांटा जाता है। वेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बायो हैजर्ड वेस्ट। इस काम की शुरुआत यशविन हिंजवड़ी के हर घर से होती है। हर एक रेजिडेंट अलग अलग डस्टबिन में कचरे का सेग्रीगेशन करता है। बच्चों को भी इसकी आदत हो चुकी है। प्लास्टिक पाउच कैसे काटते हैं जिसके कारण वो अपसाइकल हो सके, ये भी बच्चों को सिखाया गया है। फिर शुरू होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस स्टाफ का काम। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। रोज सुबह ये स्टाफ हर घर से कचरा उठाते हैं। उसमें से वेट वेस्ट जो होता है, मतलब किचन वेस्ट, उसे यशविन हिंजवड़ी में बने इस प्लांट में लाया जाता है। उसे एक बार फिर से चेक करके फिर इस मशीन में डाला जाता है। ये एक गजब की मशीन है। 28 दिन में ये उस वेट वेस्ट से बहुत ही बेहतरीन किस्म की खाद बनाती है। इस खाद का इस्तेमाल करके यशविन हिंजवड़ी के पोडियम पे किचन गार्डन भी बनाया गया है। ऐसा गार्डन आपने कभी किसी सोसाइटी में देखा नहीं होगा जहां पर बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना, पपीता, अदरक और कई तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। क्या बेमिसाल आइडिया है। और यहां पर इतनी खाद बनती है कि आजू बाजू के एरिया के किसानों को बेचकर सोसाइटी थोड़ा पैसा भी कमा लेती है। है ना कमाल की चीज। आइए अब देखते हैं बाकी का वेस्ट कहां जाता है। बाकी सारा वेस्ट बिल्डिंग के बेसमेंट में बने इस एरिया में लाया जाता है। यहाँ पे उसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है। प्लास्टिक रैपर्स अपसाइक्लिंग के लिए रीचरखा के पास भेजे जाते हैं। उससे वो सुंदर सुंदर बैग्स बनाते हैं। जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं, उन्हें ऑथराइज्ड रिसाइकलर के पास भेजा जाता है। ई वेस्ट भी ऐसे ही ऑथराइज्ड डिस्पोजल एजेंसी के पास भेज दिया जाता है। और जो बायोहैजर्डस वेस्ट है उसे म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास सौंप दिया जाता है। विलास जावड़ेकर डेवलपर्स और यशविन हिंजवड़ी के रहवासियों ने जो अभियान चलाया है उसे हमारा सलाम। जहां पहले 90 ट्रैक्टर कचरा हर महीने यशविन से लैंडफिल्स में डंप कराने जाते थे, अब वो सिर्फ 2 ट्रैक्टर हर महीने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक लगभग 35 टन किचन वेस्ट से खाद बना चुके हैं और अपना खाना भी खुद उगा रहे हैं।
इससे ज्यादा प्रशंसनीय चीज और क्या होगी? You know, the cost that the community has incurred so far is somewhere in the region of 95 rupees per household to actually set up this entire project. And in general, we are hoping that in future, when the project is sustained, you know, the costs will be not more than rupees 80 per household per month. So this is how cost effective a project like this is and has a massive impact on the environment. IGBC ने यशविन हिंजवड़ी सोसाइटी को प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग का पुरस्कार भी प्रदान किया है। Hats off to all the society members and committee members. ये रेजिडेंट्स ही तो हैं पुणे के हिंजवड़ी के रियल हीरोज। अगर भारत में हर एक सोसाइटी ऐसा करने लगे तो हम पर्यावरण की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।